और राइट, हम लोग हरम पहुंच चुके थे और पूरा हरम खाली पड़ा है। और फलक ओ सबिहाति फिल फलक, इस वक्त 7 बज रहे हैं। हम गए हैं मस्जिद अल खुबा। मक्का तो कुल्हा हरम इलैहा तुक्बिल अल उमम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु एंड वेलकम बैक टू द चैनल एवरीवन। आई होप आप लोग सब बहुत ही मज़े में होंगे। आज हम लोग निकल रहे हैं मस्जिद नबवी। तो काफ़ी अफसोस की बात है कि अल्लाह के इतने घर के करीब रहते हुए भी, मतलब जद्दा में रहते हुए भी, तकरीबन 2 से 3 साल हो गए मैं हम मस्जिद नबवी नहीं गया। तो आज इंशाल्लाह निकलते हैं। अभी तो सुबह हो रही है, अभी तो मैं काम पे जा रहा हूँ, वापसी में हम लोग शाम को मिलते हैं। मैंने कहा भाई दोपहर में हम लोग निकलेंगे, भाई दोपहर में इंट्रो करने का टाइम हो ना हो, क्या इंट्रो तो फेंकते हैं। सबसे बड़ी गर्मी है, छाए में चढ़ के तुम लोग सून से बात करते हैं। वेलकम बैक टू द चैनल एवरीवन। अगर आप लोग चैनल पे फर्स्ट टाइम वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन जरूर प्रेस कर देगा, बाकी तुम लोग गर्मी का माहौल चेक कर सकते हो। बात है रास्ते में हो जाएंगे, अभी भाई तैयार होना है ऊपर चढ़ के, तुम लोग से फिर मिलते हैं। इधर हम लोग रुके हैं वॉशरूम वगैरह जाने के लिए। तुम लोग चेक करो, 285 किलोमीटर बाकी है। अब समय टाइम हो रहा है, 1 घंटा हो गया हम लोग को निकले हुए। हमारे हम लोग चलते हैं, नमाज पढ़ते हैं, फिर फ्री होकर तुम लोग से मिलते हैं। जू का एरिया था हम लोग के पास, अभी हम लोग चल रहे हैं मस्जिद की तरफ। 258 किलोमीटर हुआ है, मतलब आधा समझ, बाकी नमाज पढ़ के कम्प्लीट करते हैं। 20 मिनट्स लेटर हम लोग का नमाज पढ़ ली, देर का नमाज पढ़ ली है। हम लोग ने नमाज पढ़ ली, नमाज पढ़ के हम लोग फ्री हो गए। ये मस्जिद थी जहाँ पे हमने नमाज पढ़ी है, कोशिश ये कि धीरे धीरे में जितना हो सके कवर कर। चलते हैं, नमाज मगरिब की पढ़ ली, कोशिश थी हरम में ईशा पढ़े, पर हरम में शायद ईशा नहीं मिल पाएगी, तो फजर पढ़ेंगे इंशाल्लाह। 2 hours later और राइट, हम लोग हरम पहुंच चुके थे और पूरा हरम खाली पड़ा है। पार्किंग से लेके यहाँ पे भी हम लोग को पार्किंग बड़ी आसानी से मिल गई। अभी वजू करते हैं, ईशा हम लोग को अफसोस नहीं मिल पाई। भाई बड़े घूम खाम के पहुंचे मस्जिद तक। वैसे मैं आता नहीं हूँ, जो आता रहता हूँ उसके लिए बहुत आसान है पहुँचने, इतना रश भी नहीं होता है। बट मैं घूमता रहा आसपास, मैं अंडरग्राउंड में पार्किंग पे नहीं आ पाया। नहीं बस अभी हरम पहुँचे हैं, वजू वजू करते हैं, फ्री भी फ्रेश वोश होते हैं। फिर हम लोग का भी 10 बज गए, हम लोग का 12 बजे तक, हम लोग का 12 से 12:30 हम लोग का वो है। रात को इसकी खूबसूरती डबल हो जाती है मीनारों की, आप लोग लाइटें चेक कर सकते हैं। ऑलराइट, सो 12:15 हो गए और उस तरफ लड़कों, उस तरफ मर्दों की लाइन लगना शुरू हो गई। तो चलो मर्दों की लाइन में लगते हैं, अंदर चल के ज़ियारत करते हैं। ऑलराइट, सो व्हीलचेयर होने का हम लोग को फ़ायदा हो गया है, हम लोग को आगे कर दिया है। अब इंशाल्लाह यहाँ से बड़ी आसानी से हम लोग अंदर जा पाएंगे। والملك لا شريك لك والليل لما أنحلك والسابحات في الفلك على مجاري. 20 minutes later. रोड से ज़ियारत करके हम लोग जैसे अभी बाहर निकले हैं और देखते हैं किस तरफ निकलना है, उस तरफ पानी वानी पीते हैं। तो ये कोई बांट रहा था, अक्सर हरम में होता है, मदीना में हो या मक्का में हो, अक्सर कुछ ना कुछ बांटने वाले लोग कुछ दे जाते हैं। ज़ियारत करके हम लोग आके बैठ गए, काम कर रहे हैं। अभी तो रात के 1:30 बज रहे हैं और पूरी रात काटना है। जमजम पी ले। Hours later. सुबह के 6 बज रहे हैं, 7 बज रहे हैं। तो
मक के साथ बज रहे हैं, उनका है मस्जिद अल-खुबा और इसका वाशरूम मेरे ख्याल से इस तरफ कर दिया है। तुम लोग देख सकते हो काफ़ी प्यारा किस्म का वाशरूम बना है। पहले तो वो खुबा का वाशरूम उस तरफ होता था, शायद अभी भी उसी तरफ हो। ये जैसे नया वाशरूम बना हो, ये जो कॉलेज खुबा हम लोग आए। बाकी शुरू करने से पहले अगर आप फर्स्ट टाइम है वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो लाइक और सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ज़रूर प्रेस कर देगा। तो चलते हैं, दो रकात अदा करते हैं और दो रकात कर लिए। और तुम लोग आसपास का माहौल चेक कर सकते हो, बिल्कुल पीस सुकून मिल रहा है, सुकून मिल रहा है। छत के नीचे बैठे मन नहीं कर रहा वापस जाने का। और ये कारपेट तो आप लोग की इसकी फीलिंग पता ही है भाई। मैं सोच रहा हूँ लेट जाऊँ, वहाँ से देखने को मिलता नहीं है, सोच रहा हूँ यहीं लेट रहूँ। مكة كلها حرم إليها تقبل الأمم ففي أرجائها الحسنات والبركات और अर्ट से जुमा पढ़ने के लिए हम लोग वापस मस्जिद नबवी आए। अब इंशाल्लाह जुमा पढ़ के रवानगी करेंगे।